तो वहीं अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ स्वतंत्र की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों की ओर से सातवें वेतन मांग और आयोग के समान वेतन देने की मांग की जा रही है। कर्मचारी एंट्री लेवल बेसिक 25,300 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कर्मचारी संघ के प्रदेश संस्थापक मनीष विधानी ने कहा कि साल 2016 में भाजपा सरकार के समय वेतन कटौती के आदेश जारी हुए थे, उसके बाद से लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गहलोत सरकार कर्मचारियों पर ध्यान देगी। मंत्रालय कर्मचारी 21 अप्रैल से प्रदेश भर में पोस्ट कार्ड अभियान चला सकते हैं। सर, हमारी मांग है कि जो वर्ष 2017 में वसुंधरा सरकार ने जो वेतन कटौती करी थी, तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 2013 में हमें 2400 ग्रेड पे दिया था, 9840 पे हमारा फिक्सेशन हुआ था, जिसे वसुंधरा सरकार ने 80-80 में कन्वर्ट कर दिया और वो 20,800 में सातवें वेतनमान में उसका फिक्सेशन हुआ। पर उसकी वजह से हम जो हैं 9,000 कम से कम 9,000 रुपये महीने का हम घाटा हमको मिल सब कर्मचारियों को मिल रहा है। आगे हमने आंदोलन का आगाज किया है 14 अप्रैल से, अभी सभी विधायकों को ज्ञापन दिए गए हैं, 21 तारीख से पोस्ट कार्ड अभियान चलेगा, फिर उसके क्रमबद्ध आधे घंटे का बहिष्कार, 1 घंटे का बहिष्कार, 2 घंटे का बहिष्कार और 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम रहेगा। और 2018 के जो भर्ती के जो कनिष्ठ सहायक हैं उनके लिए भी हमारी ये मांग है कि उनको वो 600-700 किलोमीटर दूर पद स्थापित है, उनको अपने गृह जिले में लाया जाए एयर डेप्यूटी। मेरा नाम मनीष विधानी, प्रदेश संस्थापक अखिल राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ स्वतंत्र।